सत श्री अकाल पंजाबी विदेश न्यूज़ देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कमलप्रीत कौर हाजिर हाँ अज दिया ताज़ा खबर लैके। हर देश दिया इमीग्रेशन संबंधित सही तो ताज़ा खबर देखने लिए अज ही पंजाबी विदेश न्यूज़ चैनल में सबसक्राइब करो। नीचे दिए रैड बटन पर क्लिक करो तो नाल ही बैल आइकन बटन पर प्रेस करो ताकि हर वीडियो सब तो पहला मिल सके। अज दिया हेडलाइनस से एक नज़र मारते हाँ। मैनीटोवा वालों कढ़िया गया ड्रा ते किन्ने रहे स्कोर अते तुसी किवें कर सकते हो अपलाई अगे विस्तार विच दसांगे। सस्कैचुअन वालों कढ़िया गया ड्रा ते किन्ने रहे स्कोर अते तुसी किवें कर सकते हो अपलाई अगे विस्तार विच दसांगे। इमीग्रेशन वालों केड़े रिफ्यूजीज़ नूं दित्ती जा रही है पीआर अगे विस्तार विच दसांगे। हुण खबरां शुरू करदे हाँ विस्तार विच। मैनीटोबा वालों 13 अगस्त 2020 नूं इस साल का सब तो वड्डा ड्रा कढ़िया गया जिस विच 253 कैंडीडेट्स नूं इनविटेशन भेजे गए। मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के राही स्किल्ड वर्कर अते इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रैजुएट्स नूं 3 इमीग्रेशन स्ट्रीम्स के राही इनविटेशन भेजे गए। स्किल्ड वर्करस इन मैनीटोबा स्किल्ड वर्करस ओवरसीज़ अते इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम्स। इनविटेशन नू लैटर ऑफ एडवाइस टू अपलाई कहा जाता है। स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा ले 197 स्कोर रहे। स्किल्ड वर्करस ओवरसीज़ ले 33 स्कोर रहे जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम ले 23 स्कोर रहे। जो भी व्यक्ति मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के राही इनविटेशन लेना चाहता है उसनों सब तो पहला रजिस्टर करना होगा मैनीटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के राही एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट विच। फिर उसनू लैटर्स ऑफ एडवाइस टू अप्लाई मिलेगा स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा अते स्किल्ड वर्कर ओवरसीज स्ट्रीम दे राही। मैनीटोबा दे इस प्रोग्राम विच कैंडीडेट नू 1000 पॉइंट्स विचों स्कोर दिते जांदे हन। उसकी पढ़ाई काम दे तजर्बे इंग्लिश या फ्रेंच टेस्ट दे स्कोर मैनीटोबा विच कोई रिश्तेदारी अते होर तत्थां दे आधार ते 13 अगस्त 2020 दे ड्रा विच एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट लई घट्टो घट स्कोर 485 रहे हन। स्किल्ड वर्करस इन मैनीटोबा स्ट्रीम ले अते 672 रहे हैं स्किल्ड वर्करस ओवरसीज ले। हुण अगली वड्डी खबर वाल रुख करते हाँ। सस्कैचुअन वालों 553 व्यक्तियों नूं इनविटेशन भेजे गए प्रोविंशियल नॉमीनेशन ले अप्लाई करन ले। ए ड्रा 14 अगस्त 2020 नूं कढ़िया गया। दो कैटेगरीज दे राही इनविटेशन भेजे गए हैं एक्सप्रैस एंट्री अते ऑक्यूपेशन इन डिमांड दे राही। इस विच अप्लाई करन लई सब तो पहला तुहानू अपनी प्रोफाइल एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट दे विच SINP दे राही जमा करवानी होवेगी। फिर SINP वालों एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट विचों जमा हुई फाइल्स विचों कैंडीडेट्स चुने जाणगे जिन्हां दे स्कोर ज़्यादा बनणगे। पढ़ाई काम दा तजर्बा लैंग्वेज टेस्ट दे बैंड उमर अते कोई रिश्तेदारी सस्कैचुअन विच दे आधार ते SINP वालों 100 पॉइंट्स विचों पॉइंट्स दिते जांदे हन। 14 अगस्त दे ड्रा ले घट्टो घट स्कोर 69 रहे हैं दोनों कैटेगरीज ले। 286 व्यक्तियों नू इनविटेशन मिले हैं जिन्होंने एक्सप्रैस एंट्री पूल विच फाइल लगाई सी। 247 ओ व्यक्तियों नू इनविटेशन मिले हैं जिन्होंने ऑक्यूपेशन इन डिमांड विच फाइल लगाई सी। हुण अगली वड्डी खबर वाल रुख करदे हाँ। कैनेडा सरकार वालों उन्हां रिफ्यूजीज़ नू खुशी वाली खबर सुनाई गई है जिन्हां व्यक्तियों ने अजाइलम लगाई हुई है ते इस महामारी दे समय हेल्थ केयर वजो कम किता है। इमीग्रेशन मंत्री मार्को मेडिकिनो वालों कहा गया कि रिफ्यूजी जिन्ना ने अजाइलम लगाई हुई है ते नाल उन्होंने महामारी विच लोंग टर्म केयर सेंटर विच कम किता है उन्होंने PR दिती जाएगी। इमीग्रेशन मंत्री का कहना है कि इस महामारी दे समय रिफ्यूजीज ने अपने जान खतरे विच पा के लोकां दी सेहत दा ध्यान रख्या है जबकि केयर सेंटर विच वायरस दे सब तो ज्यादा खतरा हुंदा है। इमीग्रेशन मंत्री का कहना है कि इस तरीके नाल रिफ्यूजीज दा धन्नवाद किया गया है उन्हां नूं PR दे के। ए भी दस्या गया कि उन्हां सारे फ्रंट लाइन वर्करस नूं PR दिती जाएगी जिन्हां ने महामारी दे समय कैनेडा दे किसी हिस्से विच भी कम किया है ते उन्हां ने अजाइलम भी लगाई हुई सी। जो क्यूबिक विच रह के अपनी सेवावां दे रहे सन ओ भी इस प्रोग्राम दा फायदा लै सकदे हन। इस विच जिस व्यक्ति ने अजाइलम लई फाइल लगाई हुई है उस विच
जिन्ने फैमिली मेंबर्स होंगे वो सारे फैमिली मेंबर्स अते व्यक्ति नूं पीआर दिती जावेगी। इसलिए सरकार ने कुछ हदायतां भी दसियां हन जो कुछ इस तरह हन। अजाइलम 13 मार्च 2020 तों पहला लगी होनी चाहिदी है। व्यक्ति कोल वर्क परमिट होना चाहिदा है जो उसनूं अजाइलम लगाउण तों बाद मिलिया सी। उसने महामारी दे समय हेल्थ केयर सैक्टर विच काम कीता होवे किसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन दे अधीन। व्यक्ति ने घट्टो घट 120 घंटे लई काम कीता होवे 13 मार्च 2020 तो लैके 14 अगस्त 2020 तक। व्यक्ति ने काम नर्स दे तौर ते या नर्स एड, पेशेंट सर्विस एसोसिएट या पेशेंट सर्विस असिस्टेंट या फिर होम सपोर्ट वर्कर दे तौर ते कीता होवे। व्यक्ति नू पीआर लैण तो पहला 6 महीनों का तजर्बा दिखाउणा होवेगा हेल्थ केयर सैक्टर विच। ये 6 महीनों का तजर्बा 31 अगस्त 2020 तो पहला का होना चाहिए है। व्यक्ति ते कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जे तुसी वीडियो विच दसी गई जानकारी लई होर जानना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन विच दिते गए लिंक्स ते क्लिक करके सारी जानकारी लै सकते हो। अज के बुलेटिन इन्ना ही। जे तुसी होर विदेश दीआं ताज़ा ते महत्वपूर्ण खबरां देखना चाहते हो तो फिर अज ही पंजाबी विदेश न्यूज़ चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते प्रेस करो ताकि तुहानूं हर नवी आने वाली वीडियो सब तो पहला मिल सके। मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।